तो दोस्तों ये पीलेपन के पीछे का जो राज है वो ये है कि आज मेरा जो जिगरी दोस्त है बचपन का, उसकी है हल्दी की रस्म, मतलब कल उसकी शादी है और आज है उसकी हल्दी, और एक साथ बड़े हुए हैं और वो शादी कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मतलब टाइम है मेरे लिए भी उसके लिए भी। फिलहाल ये मेरा लुक है, मेन जो कार्यक्रम है वो आज से स्टार्ट हो गया है, शादी जो है वो कल है, तो जैसा भी होगा दिखाऊंगा आपको। पहले मैं अपने दूल्हे राजा जो हैं उनका रिएक्शन और उनको दिखाता हूँ आपको। भैया अनिल, वो साउंड सिस्टम सब रेडी है, तो जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ना अपने दूल्हे राजा की हल्दी जो रसम है, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए रूम बंद कर लूँ। तो दूल्हे राजा की हल्दी की जो रसम है वो स्टार्ट हो चुकी है। हेलो नमस्ते आप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा जैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी जो कार्यक्रम है वो टाइम के अनुसार है, एंड आप रहो। जी दूल्हे राजा जी, तैयारी सेट एकदम। अरे अरे अंगूर की मुस्कान देखिए, कल तो भैया क्या होने वाला है, शादी। अनुराग भैया आज कह रहे हैं कि आज ही शादी है, मतलब डेट वेट सब भूल गए हैं। और चेहरे पे निखार देखिए भैया, इसको फोकस करने वाला है। अरे अरे क्या बात है, नहीं नहीं ऐसे भी ठीक लग रहा है, चश्मा दाने जरूरत नहीं है। अरे 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 तो भैया सब जो है रेडी है। अनिल भाई पता नहीं कौन सा बीजेपी सपोर्टर बने हुए हैं, ये पीला पहनना चाहिए था तुमको। पॉइंट क्या, हम खुद ही मांगे का पहने हुए हैं। तो मेरे भैया का है, तो मुझे डर ये लग रहा था कहीं हल्दी वल्दी ना लग जाए इस पे, लेकिन मामला अपना सेट है। शाम का जो कार्यक्रम है कुछ है शाम में, क्या कार्यक्रम? जनेऊ है। अच्छा जनेऊ है, तो जनेऊ के बिना शादी होती नहीं है। तो अभी जनेऊ है वो भी आपको दिखाएंगे, और जितना कुछ होगा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है यार। स्कूल का दोस्त है, क्लास सिक्स का, चड्डी बड्डी टाइप, सीट में आगे बैठा करता था, सेम ऐसे ही मुस्कान थी उस टाइम भी, आज भी वही। बस बात ये है कि अब शादी होने वाली, जैसा होगा दिखाता हूँ आपको, आप बने रहें। जाएंगे कहाँ आप? अनिल भाई ऐसे ना घूरा करो यार, थोड़ा अजीब लगता है यार। मेरे सही है, ठीक है। पैसे इनको भी देना है, अपने अपने इसमें देना है, बता दो भाई। तो यार अभी ना बरुआ रसम एक होती है, बरुआ करके बोलते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बरुआ बोलते ना इसको रसम को, आंटी जो भी रसम हुई थी उसको बरुआ बोलते ना। तो उसमें सात लोगों पे वो होती है, उसमें सत्तू का बना के कुछ खाते हैं। अब इसका क्या होगा कि जनेऊ के टाइम पानी का छिड़काव होगा, ये जो विवाहित नहीं होते वो करते, तो इससे कहते हैं कि विवाह जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट डे रात में जनेऊ वगैरह जो कार्यक्रम थे वो काफी लेट हुए, ये एक दिन पहले होने थे। सुना है ऐसा लोगों ने कहा है कि काली गाड़ी नहीं सजाई जाती है शादी में। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मिथ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी अपनी जो व्हाइट कार है नई आई है चमचमाती हुई, इसको सजवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी थोड़े बहुत काम है वो भी निपटा लूँ, और 5:30 बजे तक यहाँ से निकलेंगे ना, 5:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और विदाई तक वहाँ पे। तो यार बहुत ही ज्यादा हॉश पॉश था, दूल्हे राजा गए सबसे पहले तैयार हुए, उसके बाद हम लोग सीधा वेन्यू आ गए, क्योंकि वेन्यू काफी दूर था, ड्राइव मैं कर रहा था तो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाया। अब जितना कुछ भी होगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, वजह बताता हूँ कि एकदम से दिन से शाम जो हुई वो क्यों हो गई, क्योंकि यार मेरे घर में भी एक फंक्शन था उसको भी मुझे अटेंड करना था, तो वो भी अटेंड किया और ये भी, तो बड़ा मिक्सअप हो गया था यार, समझना यार, थका भी ज्यादा हूँ, लेकिन पूरा मैं शूट करने की कोशिश करूंगा। बाकी सिनेमैटिक शॉट आप देखो थोड़े बहुत जो मैंने लिए हैं, एंड उसके बाद जो होगा वार्तालाप आपको बताएंगे, आप जाइएगा नहीं।
सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू आर इन माय व्लॉग. यू आर इन हिज व्लॉग राइट नाउ. चलते फिरते सब्सक्राइबर बटोर रहा हूं मैं, पता है ऋषभ भाई की वजह से. अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, मतलब ये ऋषभ भाई. दो हम लोग ने स्कूल में ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन हाँ एक ही साथ थे क्लास 7 से आई गेस. तो अभी सीन ऐसा है कि फील टाइट. अच्छा बता दूं मैं आपको, मेरे YouTube चैनल की स्थापना कहाँ है, इन्हीं के रूम से हुई है यार. और ये शार इतने लड़के हैं ये सब. थैंक यू सो मच. नैनीताल चले गए थे हमको छोड़ के. थैंक यू. चार दिन मैं अकेले रहा हूँ रूम में. चार दिन, समझ रहे हैं आप लोग, चार दिन. समझ गया हूँ, समझ गया हूँ. बराबरी हो रही है, देखो ये, देखो यही बराबरी है, यही पे कमीने लोग हैं मतलब. नहीं ये स्कूल के टाइम पर हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, पता है ऐसे ऐसे ना असेंबली में. मैंने तुमको अपने वीडियो में लिया ना, मुझे थैंक यू बोलो पहले. थैंक यू. थैंक यू मत बोलना, तीन लोगों से कहना मेरा वीडियो शेयर करें और उन तीनों से कहना कि उन तीन लोग शेयर करवाएं, ठीक है ना. तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे मक्खन के बारे में और हमारे जो दोस्त थे वो एकदम भर के लेके चले आए, समझ सकते हैं आप. चार बार खा चुके हैं और ये चार बार खिला चुके हैं. आप इनका टकला देखिए, बहुत साइन करता है. अच्छा तुम्हारा मेकअप का तो और अच्छा बन जाता होगा. नहीं फेस वॉश का. यहाँ से आता है. कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं यार, तो सही सही भाभी जी को अपनी बधाइयाँ आपको. आपका विवाहित जीवन सुखी रहे, जीवन भर रहे, इतनी आशीर्वाद है. ये पहले आएगा पता है, वो तो वीडियो बाद में आएगा, ये पहले आएगा अगर मेरी कृपा रही तो, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ. अभी इसके आधे घंटे के अंदर हमारे भाई का शुभ विवाह स्टार्ट होने वाला है एंड एक्साइटेड. तो शादी करवाते हैं, जल्द करवा देंगे, जल्द जल्द से जल्द चाहिए, बताए जरूरत है, जरूरत. दो 3 लाख का सामान है. अब नाउन जरा चुप हो जाओ मेरे लिए, व्लॉग बनाने जा रहे हैं. मेन नाउन थे ये अनिल भाई. हाँ तो भैया देखिए, विदाई में हमारे जो दूल्हे राजा थे बहुत ज़्यादा रोए, तो हम शूट नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बेइज्जती हो जाती है, वायरल हो जाता वीडियो वीडियो है. अभी बहुत ज़्यादा कुछ, तो इस वजह से हमने शूट नहीं किया. फिलहाल कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया. अब तो बहू जो है, मतलब भाभी जो है वो आ गई घर पे. भाभी है ना, बड़े बड़े हुए तुम, बड़े हो छोटे हो उससे? छोटे छोटे हो. नहीं नहीं बड़े बड़े हैं. भाभी जो है वो आ गई है अपनी, और बस अब लंबी कहानी है, बहुत थके हुए हैं. अब तुम ही बोल लो, लो पकड़ लो, लो बोल लो, लो बोलो, लो 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 क्या कर. तो बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. मालिक से तो इंट्रो करा दो, मालिक नहीं निकल. नाउन से, नाउन से, नाउन. ये बताओ पैसा सब मिल गया तुमको? अच्छा अभी कुछ नहीं मिला, अभी लेंगे हम. क्या लोगे? 21,000. तो तुम्हें लेना है तो है, कुछ और चीजें लेनी है तुम्हें? वो तो वहां नेपाल जाके लेंगे. तो यार वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो. तब तक के लिए ऐश काटो, मजे करो, जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है. ठीक है, जाओ बाय.